हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये ऐसा टॉपिक है कि हर कोई इसको जो है करना चाहता है, बट इसके बारे में कोई भी जो है बात करना नहीं चाहता है। अगर आपने बात कर दी तो फिर आपको जो है मतलब घिनौनी नज़र से जो है देखा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि सेक्स और जो है लव के बारे में, तो कौन सी चीज़ होनी चाहिए अपने जीवन में। और यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे टीनेजर्स जो है, स्टूडेंट्स जो है, इवन जो मतलब अभी जॉब कर रहे हैं, इवन जो है जो लोगों की शादी भी हो गई है, जिनको मतलब लीगली वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, फिर भी जो है सभी को एक ही दिक्कत आती है कि उनको जो है सेक्सुअल थॉट जो है आते ही रहते हैं, उनका माइंड जो है वो फोकस नहीं हो पाता है, फोकस माइंड का नहीं हो पाता है, तो ना ही वो पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही वो अपना जॉब कर पाते हैं, और ना ही जो है वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं, शांत हो पाते हैं, और यहाँ वहाँ उनका मन जो है भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। इवन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हम जो है जिस चीज़ को लव मानते हैं, एक्चुअल में वो जो है लव नहीं है, वो एक्चुअल में हमारा अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है। और हम जो है एक्चुअल में हमारे पार्टनर जो है उससे डिमांड करते हैं कि अगर तुम जो है ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, या तो तुम मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो, तो हम दोनों के बीच में जो है रिलेशन है। अगर वो तुम करना बंद कर देते हो तो हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लव को जो मतलब मानते हैं, जैसे कि एक्चुअल में हम ऐसा मानते हैं कि जो मदर और मतलब सन के बीच में जो प्रेम होता है, सन या तो डॉटर जो भी है, मतलब मदर और चाइल्ड के बीच में लव होता है, वो एकदम ट्रू लव होता है। बट यहाँ पे आज के समय में ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है कि उनको जो है बुढ़ापे की लाठी चाहिए। दूसरी चीज़ के उनको जो है उन्होंने अपने जीवन में जो नहीं कर पाए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उस चीज़ को पूरा करें। तो हर एक को जो है कुछ डिमांड है कि भाई मतलब उसके लिए क्या करते हैं कि भाई हर एक चीज़ को मतलब प्रोवाइड करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये व्यक्ति को मैं ये करके दूंगा तो वो मुझे ये करके देगा। तो यहाँ पे एक डिमांड एंड सप्लाई है कि भाई आप मुझे ये करके दोगे तो मैं आपको ये करके दूंगा। अगर ये जो डिमांड एंड सप्लाई अगर दोनों के बीच में पूरी नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या तो फिर दो इवन फ्रेंड्स जो है उसके बीच में भी अगर प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई नहीं हो पाती है कि उसको जो चाहिए वो आप नहीं देते हो, आपको चाहिए वो नहीं देता, तो यहाँ पे आपका रिलेशन जो है कट हो जाता है और धीरे धीरे आपको उसके प्रति जो है नफरत होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इसी रीज़न से जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो किड्स रहते हैं वो अपने पेरेंट्स को जो है मतलब बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। इवन जो है बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, तो उसको भी जो है मतलब बच्चों को भी जो है छोड़ देते हैं। इवन हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन को जो है कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ जो है डाइवोर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर जो है काफ़ी तगड़ा डाइवोर्स रेट है, और मतलब आज के समय में तो कोई कुछ भी जो है सहन करना ही नहीं चाहता है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, डाइवोर्स थोड़ा सा भी इश्यू हो गया, तो एक दूसरे के ऊपर जो है केस जो है कर दिया। अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस तरीके से लोग डाइवोर्स लेते हैं, ऐसा ही जो है कल्चर धीरे धीरे इंडिया में भी होना शुरू हो गया है। और इंडिया में तो क्या है कि लोग भी ऐसा है कि मतलब महिलाओं के प्रति लोग है, तो कहीं ना कहीं जो है पुरुष जो है उसको ही सफ़र जो है करना पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रू लव जो है उसका मीनिंग अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो यही है कि लव में जो है मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो है ट्रू लव में नहीं होता है। आपको जो है दूसरों को देना होता है, ना कि उसके पास से मतलब डिमांड करना होता है। तो मतलब जैसे कि एज एन एग्जांपल के गॉड और आपके दोनों के बीच में मतलब गॉड उसका भक्त जो है उसके बीच में एक लव होता है, वो एक्चुअल में ट्रू लव आप मान सकते हैं। अगर आप गॉड से भी डिमांड करते हैं तो वो एक्चुअल में ट्रू लव नहीं है, बट लोग जो है गॉड की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे लोग जो है रियल चीज़ों की भक्ति नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न यही है कि उसमें झटका लगता है, उसमें तनाव रहता है जो चीज़ नहीं है, जैसे कि जिस चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकते हैं या तो मतलब देख नहीं सकते हैं, ऐसी शक्तियों को जो है हम एज अ गॉड मानते हैं और उसके प्रति जो है हम अपने लव जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मुझे लगता है ट्रू लव बोल सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जो है मुझे नहीं लगता है कि ट्रू लव जो है पाया जा सकता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमको हमारी जो है सेक्सुअल एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर जो जनरेट होती है, हमको जो फोकस करना होता है उसका प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे भले ही ये इश्यू हो रहे हैं फिर भी आपको शादी करनी पड़ सकती है, या तो फिर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहोगे, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो सब होगा, और फिर भी आपको अगर सक्सेस पाना है अपनी लाइफ में तो एक चीज़ आप कर सकते हैं जिससे कि जो है आप अपने हस्बैंड वाइफ उनको भी छोड़ सकते हैं, पोर्नोग्राफी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा डिमांड भी नहीं होगी अपने पार्टनर्स के साथ कि भैया मुझे सेक्स करने देगा तो ही मैं इसके साथ रिलेशनशिप रखूँगा। तो उसका एक बहुत ही सटीक तरीका है और उसका नाम है कुंडलिनी शक्ति जो है उसको जागृत करना योगा मेडिटेशन के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे शरीर में जो है सेक्स की एनर्जी जो है वो जनरेट यहाँ पे होती है,
मूलाधार चक्र इसको बोलते हैं। और अगर आप योगा मेडिटेशन करोगे तो ये एनर्जी जो है धीरे 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 ऊपर चढ़ती जाएगी और यहाँ पे जो है सहस्र जो जो यहाँ पे चक्र है वहाँ तक वो एनर्जी पहुँच जाएगी, जिससे कि जो है आपको बहुत ही पीस का जो है आनंद, मतलब पीसफुलनेस जो है आपको मिलेगी। और इसके जो है अलग अलग मेडिटेशन जो होते हैं उसको आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, और आप अपने आसपास में कोई अप्रोप्रिएट योगा टीचर है तो वहाँ पे उनके सहारे से भी जो है इस मेडिटेशन को कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आर्ट ऑफ लिविंग में भी ये मेडिटेशन होता है, विपासना मेडिटेशन में भी इसको करवाया जाता है, जो साधु गुरु जी जो है उन लोगों के मेडिटेशन में भी ये कराया जाता है, और लोकल जो भी जो मतलब जिन्होंने भी योगा सर्टिफिकेशन किया है वो भी आपको जो है इसके रिलेटेड मेडिटेशन जो है करवा सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो है कुंडलिनी शक्ति जो है, मतलब आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे और अपने शरीर में जो है ये सभी चक्रों के ऊपर से उसको लेके जाओगे और यहाँ तक लेके आओगे। फिर देखो आपको जो है अपने पार्टनर से जो डिमांड रहेगी ना, सब डिमांड्स वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, आपको फिर इतना मतलब अननेसेसरी अट्रैक्शन नहीं होगा, आप उसके साथ रहोगे, उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करोगे, वो आपकी ज़रूरतों को मे बी उसको ज़रूरत होगी तो पूरा करोगे, उनके साथ मतलब सेक्सुअल रिलेशन भी आपका ख़त्म नहीं होगा, उसको जब ज़रूरत होगी तब आप उसको बेस्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी दे पाओगे और आप जो है अपना काम भी कर पाओगे और आपको जो है पैसों की तलब नहीं लगेगी। यहाँ पे हमको एक दिक्कत रहती है कि बहुत ही जो सेक्स करने वाले जो लोग होते हैं उनको मतलब इच्छा होती है, उनको मतलब पैसे भी कमाने की मतलब तलब लग जाती है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो ज़्यादा जो है अच्छा पार्टनर मुझे मिल सकता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि भाई अगर मैं आपको मतलब आपको जो भी हीरोइन पसंद है, जो भी एक्ट्रेस पसंद है, जो भी टॉप हॉट गर्ल्स है वो आपको मगर अगर दे दी जाए फिर भी आपकी सेक्सुअल जो इच्छा है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इसी रीज़न से जो वो एनर्जी है जो कि आई थिंक 15 से लेके 30 40 साल तक, 40 साल तक तो रहती है आई थिंक, 40 45 साल तक, उसको अगर वो टाइम में आप सीख लो कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है तो वो जो आपका टाइम है वो बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ हो जाएगा। और बाद में तो क्या है कि धीरे धीरे आपके हॉर्मोन्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो मतलब मंद हो जाएंगे और ये जो एनर्जी आपके शरीर में जनरेट हो रही थी वो भी धीमी पड़ जाएगी, तो वो एनर्जी को फिर ट्रांसफॉर्म आप मतलब एनर्जी ही नहीं तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे। तो जो हमारा जो यंग टाइम होता है वही बेस्ट टाइम होता है इसको ट्रांसफॉर्म करके जो है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना और खास करके अपने जीवन में जो है सक्सेस पाना, पीस पाना और अपने जीवन को जो है अच्छा बनाना। तो यहाँ पे आई होप आपको पता चल गया है कि लव क्या है, सेक्स क्या है, मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, लड़कियों के पीछे भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए, और आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं हो पा रहा है अच्छे से तो उसका दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे आप हर चीज़ को कर सकते हैं। पहली चीज़ अगर आपको गर्लफ्रेंड की इच्छा है तो करें, बट इतना दिमाग को उसमें ना लगा दें कि आपका जो है पढ़ाई साइड में रह जाए, आपका जॉब साइड में रह जाए, आपका आपके फैमिली जो है साइड में रह जाए, इवन आपका जीवन जो है साइड में रह जाए, आप सब चीज़ें साथ में ही करें और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें जिससे कि जो है आपको विजन ऑफ लाइफ मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगा होगा। एक्चुअल में मैं एक जो है मेडिटेशन सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाला हूँ जिससे कि आपको भी इस तरीके की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है तो वो आप कर सकते हैं, और इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप इस तरीके के मेडिटेशन जो है कर सकते हैं और अपने जीवन में जो है सक्सेस को पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।